वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। मैं आप सबके लिए आज एक और कहानी लेके आई हूँ और कहानी का नाम है तीन दोस्त। तो एक समय की बात है, एक बहुत घने जंगल के बीचों बीच एक तालाब था। उस तालाब में तीन मछलियाँ थी जो एक दूसरे की दोस्त थी। इसका मतलब कि उन तीन को छोड़ के और भी कई सारी थी, बट कहानी इन तीनों पर फोकस करती है। तो ये तीन जो दोस्त थी, उसमें से एक थी तो बहुत समझदार थी। वो जो भी करती थी वो सोच समझ कर करती थी और वो कभी कोई गलत काम नहीं करती थी। दूसरी मछली, वो सबसे ज़्यादा रिसोर्सफुल थी, उसको बहुत नॉलेज थी। तो वो हर एक काम करने के पहले सोचती थी, समझती थी, पढ़ती थी और फिर वो करती थी। और जो तीसरी मछली थी वो सबसे अलग थी, वो थोड़ी बिना सोचे समझे काम करती थी। ये बोल सकते हैं कि वो ना समझती। तो एक दिन ये तीनों दोस्त घूम रहे थे, तो उतने में वो जो समझदार वाली मछली थी ना, जिसके बारे में सबसे पहले बताया था, वो चली जाती है। देखती है कि अरे ये कुछ मछुआरे घूम रहे हैं, ज़रा मैं जाके देखती हूँ कि ये लोग बात क्या करते हैं। तो वो जितना करीब जा सकती थी वो जाती है और बात सुनती है। तो वो दो मछुआरे क्या बात कर रहे थे, वो मछुआरे बात कर रहे थे कि हम कल सुबह वापस आएंगे इस तालाब में मछलियाँ पकड़ने। ये सुनते ही समझदार मछली वापस अपने दोस्तों के पास जाती है और उनके साथ ये बात साझा करती है। होता क्या है, समझदार मछली कहती है कि मैं आज के आज यहाँ से जाती हूँ और कुछ सोचती हूँ और वापस ज़रूर आऊँगी। उसने कहा कि तुम दोनों भी मेरे साथ चल पड़ो आज। जो दूसरी रिसोर्सफुल मछली थी, जो ज्ञानी थी, उसने कहा मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी, मैं यहाँ रह के जो पूरी सिचुएशन है उसको समझूँगी और अपने साथियों के बारे में कैसे बचाया जाए उनको ऐसी सिचुएशन से, उसके बारे में सोचूंगी, तो मैं यहीं रुकूंगी। और वो जो नासमझ मछली थी, उसने कहा कि क्या ही होगा, मछुआरे ही तो हैं, आएंगे आके चले जाएंगे, हम थोड़ी फंसेंगे। तो वो भी रिसोर्सफुल वो ज्ञानी मछली के साथ रुक जाती है। होता गया, अगला दिन आ गया, मछुआरे ने मछली पकड़ ली। अब समझदार मछली तो चली गई थी तालाब से थोड़ा दूर, जहाँ वे लोग कर रहे थे फिशिंग। तो रिसोर्सफुल मछली, वो जो ज्ञानी मछली थी, और वो जो नासमझ मछली थी, वो दोनों पकड़े गए, मछुआरों ने उनको पकड़ लिया। अब वो जो ज्ञानी मछली थी, उसने क्या किया होगा बताइए ज़रा। वो क्या हुआ, जैसे ही वो जाल में फंसी, उसने मरने की एक्टिंग करी, जिसके वजह से उन मछुआरों ने उसको उठाया और वापस तालाब में छोड़ दिया और वो वहाँ से 9-2-11 हो गई। वहीं जो नासमझ मछली थी, उसने सिचुएशन को ना तो देखा ना ही समझा, वो वहाँ तड़पती रही। और उतने में जो मछुआरा था, उसने उस पर हथौड़ा सा मारा, ज़ोर से उसको मारा, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। थोड़े दिनों बाद जब समझदार मछली वापस आती है, वो ज्ञानी मछली के साथ बात करती है, तब उसको पता लगता है कि उसकी जो तीसरी दोस्त थी वो नासमझ मछली, वो अब नहीं रही। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप हमेशा अपनी सिचुएशन को अच्छे से देखें, परखें और फिर ही कुछ निर्णय लें। इसी के साथ मैं यहाँ समाप्त करती हूँ आज की कहानी। फिर मिलेंगे चलते चलते। धन्यवाद।